तो हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल। तो गाइज आज मैं आ गया दादा मांडू। ये कराला में स्थित मंदिर है जय जय दादा मांडू जी का। यहाँ पर हर एक साल में रविवार को यहाँ भंडारा किया जाता है। बहुत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये भंडारा चलता रहता है। तो बड़ी मात्रा में लोग आते हैं यहाँ पर और कराला का पूरा गांव के मिलके लोग ये कराते हैं। तो गाइज हमने भी आने का मौका मिला है यहाँ पर, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मत्था टेक लिया तो बाबा जी का कीर्तन हो रहा है। यहाँ पे कीर्तन होते होते गायकर आए थे। गायकर बहुत बड़ी मात्रा में झूम झूम के गा रहे थे। सब देख सकते हो कितनी क्राउड होने वाला है। देखा जहाँ तक देखोगे लोग ही लोग दिखाई देंगे। तो गाइज अब मैं लेके चलता हूँ अपने मेन मोटिव की तरफ, खाने की तरफ, जहाँ भंडारा वितरित हो रहा है। तो चलते हैं। इसमें ना डिपार्टमेंट अलग अलग कर रखा है और ये पूरा हलवाई का डिपार्टमेंट है। देख सकते कितनी कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, जहाँ पूरे हॉल में देख सकते पूरी बड़ी मात्रा में कढ़ाई कढ़ाई दिख रही होंगी। यहाँ पर ना एक ही बार में 200 पूड़ियाँ निकली जाती हैं कढ़ाई में। बड़ी इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ आप देख सकते हैं। और हर हॉल के अंदर एक एक स्टाफ लगे ये ले जाते हुए यहाँ पर पूड़ी। तो फिर यहाँ हमने दिखाया इनको सिलेंडर। देख सकते हो कितनी मात्रा में सिलेंडर है। ये घरों का सिलेंडर है, लोग मिलके कराते हैं यहाँ पर दादा मांडू कराला में। तो ये देख सकते हैं भैया बेल रहे हैं यहाँ पर। बड़ी मात्रा में हलवाई लगे रहते हैं यहाँ पर। ये छोटा सा बच्चा लोई बना रहा था। फिर यहाँ पर आटा भी सना जा रहा है। ये जैसे जैसे आती रहती है भीड़, वैसे वैसे उसके हिसाब से बनता रहता है यहाँ पर। तो दादा जी मांडू के सहयोग से इतना बड़ा भंडारा किया जाता है कराला में। तो आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में इतने लोगों की हलवाइयों की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो अलग ही से लोई लोई बना रखी है, बन दे रखी है। फिर आपको हम दिखाने जा रहे हैं सब्जी। यहाँ होती पेठे की सब्ज़ी, बहुत ही एक नंबर के भाई। मैं बचपन से खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ता है। तो आपको भी दिखाने का मौका मिल रहा है आज। तो इतने इतने बड़े बड़े ड्राम है, इन 100-200 ड्राम तो यहाँ पर पक्के कन्फर्म ही है कि खाली हो जाते हैं 12-3 बजे तक। तो यहाँ सर चिमचे से निकाली जाती है सब्जी। फिर हमें लड्डू मिलता है। पहले बूंदियाँ मिलती थी रंग बिरंगी, बट अभी बूंदियों का पता नहीं क्या हुआ, बनवाए नहीं है। और अब लेके आगे हम यहाँ पर वितरित हो रहा है जहाँ पर खाने के लिए। ये पत्तल भी आप देख सकते हैं, एकदम पेड़ों की जो पत्ते होते हैं ना उनसे बनी हुई है भाई। इतना देखो अलग सी पत्तल। अब हम बैठ चुका हूँ खाने के लिए। खाने में अब मिलेगी हमारे हमें सब्जी, पेठे की सब्जी होने वाली। एक नंबर की सब्जी थी, टेस्ट में बहुत मज़ा आता। दूर दूर से लोग आते हैं खाने। ये आ गई सब्जी। दादा मांडू के सहयोग से इतना बड़ा भंडारा होता है। तो कमेंट में जय दादा मांडू की जरूर लिख देना। और ये आई पूड़ी। पूड़ी जितना मर्जी खा सकते हैं। ये आया लड्डू, लड्डू भी खाया और खाने बहुत मज़ा आ गया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट लगा। और कमेंट में जय दादा मांडू की जरूर लिख देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।